रास्ता बताना संतू, ब्रिजेश को पकड़ने का यही एक मौका है। हाँ संतू, किधर जाना है? जी मैडम, सीधा चलते रहिए शाहजा लेन की तरफ। सीधा ना? स्ट्रेट 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 चलते रहिए। आप तो सीधा ही तो जा रहे हैं संतू। लेफ्ट जाए, राइट जाए? लेफ्ट 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 मैडम। राइट 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 राइट। हमारा तुम्हारा चक्कर क्या है? तीन घंटे से राइट लेफ्ट कर रही हो। अभी थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है, ट्रेस तो कर रही हो ना ठीक से? मैडम मैं ब्रिजेश की लोकेशन ट्रेस कर रही हूँ, एकदम सही चल रहा है। आप बस सीधा चलते रहिए। सपने में मिश्री मैडम आई थी, वो यमराज की बेटी बनी हुई थी। यह बड़ी बड़ी मुझे मिश्री मैडम की? अरे नहीं, यमराज की। वो मुझे मार रही थी, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। कब बचाओ? फिर से ऐसा चिल्लाया ना बाबू तो मिश्री मैडम का तो हम मार देंगे तुमको। काम कर लूं मैं। हेलो मैडम। हाँ ब्रिजेश रुक गया, लोकेशन आपके सामने ही है। तुम कौन हो बे? और ब्रिजेश कहाँ है? कौन ब्रिजेश? हम तो ड्राइवर है, गाड़ी चलाते भाड़े की। बताते हो कि लगा है घंटा पर भी एक। मैडम मैडम, एक बंदे ने मुझे 10,000 रुपए और ये मोबाइल दिया था, बोला गाड़ी रात भर लेके घूमना। मैडम मैडम सब ठीक है ना? ब्रिजेश हाथ आया क्या? ये मिस्त्री जरूरत से ज्यादा तेज निकली, गुमराह किया उसने हमको। यहाँ कोई ब्रिजेश ब्रिजेश नहीं है, उसको हमारे प्लान के बारे में पता था। संतु जी, सुबह हो गया, एक बढ़िया चाय पीते हैं, चलिए ना कहीं, इधर मिलेगा क्या? तू बैठ चीते, तेरे लिए चाय लाती हूँ मैं, ले पकड़ पकड़। संतु जी, अरे गुस्सा कहाँ गए? सुनिए संतु जी, बिल्ला कहाँ है? कल रात में ही निकल गया गाना गाते हुए कि आए जिंदगी गले लगा ले। हाँ नहीं मैडम, उसको लगा कि आप प्याज का स्टॉक जब्त कर लेंगी, प्याज का दाम कम हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। इसी खुशी में वो गाते हुए बजाते हुए जाके फिर से धरना पे बैठ गया है। तो आदमी है ये बिल्ला, हमें कौन प्याज के लिए जान देता है। मैडम लेकिन सवाल ये है कि इस प्लान के बारे में ब्रिजेश को कैसे पता चला? नहीं ये बारे में तो खाली हम ही तीन लोग को पता था ना। यही सोच सोच के हमारा दिमाग चूरन हो जा रहा है कि खबर वहां तक पहुंचा कैसे। मिस्त्री है जो खबर पहुंचा सकती है, पर मिस्त्री को भी कैसे खबर लगा हमारे प्लान के बारे में? मिस्त्री मैडम के इधर कॉलर पे जो माइक लगाया था ना, वो भी ऑफ ही आ रहा था। करिश्मा मैडम, आपको लगता है मैं खबर पहुंचा रही हूँ मिस्त्री मैडम तक? हाँ मैं आपकी टीम में हूँ मैडम। अगर मैं झूठ बोलती ना तो मेरा पेट दुखता। मेरा पेट नहीं दुख रहा, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही ना? हाँ मैडम, संतु जी ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। मतलब इतना भोला सा, प्यारा सा, मासूम सा, क्यूट सा इंसान जो इस दुनिया में आया ही मोहब्बत बांटने के लिए है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। रिएक्ट मच, ओके? एकदम रिएक्ट मत करना। हमको लगता है तुम्हारी ड्रेस में माइक छुपाया मिस्त्री ने। हाँ
मैडम ये मिस्त्री तो बहुत ही शानी निकली, रात भर मेरे कंधे पर सवार रही और मुझे पता भी नहीं चला। गलती हमारा है संतु, हम ही उसको ठीक से नहीं आंखें, उल्लू को अंधेरा दिखा रहे थे हम, लेकिन अब हमसे ऐसा गलती नहीं होगा। सुनो, जैसा प्लान चल रहा था ना बिल्कुल वैसे ही चलेगा, वो माइक वापस तुम्हारा यूनिफॉर्म में। वापस? मैडम मैं मम्मी को बार बार ना बोलती कि मुझे शादी नहीं करनी, वो भी सुन लेगी मिस्त्री। मैडम आगे का प्लानिंग सुनोगी? हाँ बोलो। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, सामान्य बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। मिस्त्री को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमको पता है कि वो हमको सुन रही है, समझ गए? अच्छा तो आप ऐसे आ रही थी। अब खेल मिस्त्री का, खिलाड़ी भी वही लेकिन चाल हमारा होगा। किसकी चाल मैडम? संतु चीता देखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर टाइम रहते ही ब्रजेश ने अपना क्राइम कन्फेस नहीं किया ना, तो हमारा तो सस्पेंशन पक्का है, लेकिन ये बिल्लू जो है ना इसका जान भी जाएगा। हाँ तो अब क्या करना है मैडम? करना क्या है? बताइए मैडम क्या करना है? देखो सबसे बढ़िया बात ये हो गया है कि हमारे साथ खुफिया विभाग जुड़ गया है, जो मिस्त्री को अभी तक पता नहीं है। अभी जो खुफिया विभाग है ना, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और हमको भी मैसेज किया था कि थोड़ी ही देर में हमको वहाँ का पता देने वाले हैं जहाँ पे वो अपने प्याज का सारा स्टॉक छुपा के बैठा है। तो एक खुफिया विभाग जो हमारे साथ जुड़ा है ना, ये बहुत अच्छा काम हो गया है। तो चीते संतु तुम जाओ थाना, खुफिया विभाग से संपर्क में आओ और हमको सारा खबर दो, अपडेट करो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। हाँ हाँ मैडम, पर ब्रिजेश को तो पुलिस प्रोटेक्शन मिली है ना। हाँ थोड़ा लीगल प्रोसीजर है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इस ब्रिजेश को हम नहीं छोड़ेंगे। एक जगह है जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं जाता है, पता है? कहाँ मैडम कहाँ? बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं जाता है, वहाँ क्या करेगा ब्रिजेश? उस जमाखोर ब्रिजेश को तब हम पकड़ के ही रहेंगे। अरे ब्रिजेश बाबू कैसे हैं आप? क्या हुआ मिश्री जी? अच्छा सुनिए, हम जरा एक बुरी खबर लेकर आए हैं। वो क्या है, हम जिंदगी में इतने पॉजिटिव हो गए कि अब हमारा कोविड रिपोर्ट भी जरा पॉजिटिव सा हो गया है। क्या? हाँ, और इसीलिए हम इधर पुलिस लाइन अस्पताल में क्वारंटाइन हुए हैं। आपने तो हमें बीच मझधार में छोड़ दिया मिश्री जी। अरे तबियत हमारा बिगड़ा है ब्रिजेश बाबू, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? आप मत घबराइए, देखिए आप बस मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब क्या है, दिक्कत थोड़ा बढ़ गया है और आपके केस में अब वो खुफिया विभाग वालों का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, इसलिए आपके जितने भी प्याज के गोडाउन थे उन सब का पता लगा लिया है और जहाँ जहाँ भी गोडाउन थे उन सब का जानकारी वो खुफिया विभाग वालों को मिल चुका है। ये कैसे हुआ? अरे ये खुफिया विभाग वाले है ब्रिजेश बाबू, इनका साधन संपन्न प्रणाली होता है। अब खुफिया विभाग वाले है तो उनको जिनका पता लगाना होता है लगा लेते हैं कैसे भी करके। हमको ना सारा का सारा प्याज अब भी गोडाउन से हटाना होगा मिश्री जी, पकड़े गए ना तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, अभी ट्रक भेजते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ट्रक नहीं, ऐसी गलती तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए हम जहाँ तक करिश्मा सिंह को जानते हैं ना, वो ट्रक उनकी नजर से तो नहीं बच पाएगा और वो रास्ते से जितने भी ट्रक जा रहे होंगे उन सबकी वो तलाशी लेगी। तो फिर हम क्या करें? सुनो मिश्री को लक्षण लगे, वो क्वारंटाइन हो गई है। क्या? हाँ तो अब उसका फोन ट्रैक करने का कोई फायदा नहीं है, उसका कॉल डिटेल निकालो ताकि हमको पता चले वो किस किस से बात करती है, और ब्रिजेश का फोन ट्रैक करो। जी मैम। और ये बदनाम को क्या बोल के निकाला था लॉकअप से? ये बोल के कि करिश्मा मैडम ने कहा कि सिर्फ एक रात के लिए लॉकअप में रखना था। अच्छा तुम वो मिश्री का कॉल डिटेल निकालो सर। ये टी शर्ट लो और बिल्लू जी को चेंज करवा दो, और हाँ बिल्लू जी का ना टचअप भी करना है, क्या है ना कि उनकी स्किन ऑयली है, मरते हुए अच्छे नहीं दिखेंगे। तो जिंदा कौन से अच्छे लग रहे हैं? अच्छा सुनो, ये जो पोस्टर्स है ना इनको चारों तरफ अच्छी तरह से लगा दो। एक काम करना, बिल्लू जी के ऊपर जूम करना, फिर इन पोस्टर्स पे जूम करना। वो क्या है ना कि बिल्लू जी जैसे ही मरेंगे ना उसके तुरंत बाद सारे स्पॉन्सर्स अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगे। क्या है कि इतनी मोटी रकम ली है तो स्पॉन्सर्स को भी तो मुतमईन होना जरूरी है कि नहीं? अच्छा चलो जल्दी जाओ। क्या 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 किसका मुतमईन होना जरूरी है? मुतमईन मतलब
ब्लू जी। हाँ जी। मुतमईन मतलब सुकून, सेटिस्फेक्शन। सुकून सेटिस्फेक्शन? क्या फायदा एक मरते हुए इंसान को ये नए कपड़े देख कर टच अप करके ऊपर जाके कौन सा मुझे मॉडलिंग करना है? तो ऐसे ही मार दो। ब्लू जी आप एक काम कीजिए, ये देखिए ये टी शर्ट को पहन के ब्लू जी अब बहुत क्यूट लगेंगे। क्या 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 क्या? बहुत क्यूट लगेंगे। बस थोड़ी देर। ब्लू जी हमने स्पॉन्सर्स को ये वायदा किया है कि आप यही कपड़े पहनकर भरेंगे, अब वो क्या है ना कि अब हमने उन्हें जबा दे दी है तो हम वादा खिलाफी तो कर नहीं सकते। ये क्या है, क्या है? ये ससुराल मैदा, ये चक्का अंडरवेयर, ये ओला लाला मिनरल वाटर। अरे जाए जाए जल्दी लेके जाए। थोड़ी देर क्यों, इधर आइए आइए थोड़ी देर। इसको ले थोड़ी देर। बहुत कम टाइम बचा है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये पिल्लू का बलि चढ़ जाएगा। संतू कुछ अपडेट? मैडम कब से अपडेट करने के लिए डाला है, फोन हो ही नहीं रहा है। उफ, ये मासूमियत। हम मिस्री की रिपोर्ट का बात कर रहे हैं संतू, उसका कुछ अपडेट मिला? अब जी मैडम, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मिस्री ने अभी थोड़ी देर पहले ब्रिजेश को फोन किया था। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब खुफिया विभाग का बात वो ब्रिजेश को बता चुकी है, तीर एकदम निशाने पे जाके लग चुका है। बस अब हमें ये पता करना है कि वो प्याज का स्टॉक कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैडम वो इतना सारा प्याज शिफ्ट कैसे करेगा? एक काम करो, तुम ट्रांसपोर्ट नगर फोन करो, वहाँ पता करो कि कुछ घंटे पहले कोई ट्रक या टेम्पो कुछ बुक हुआ है क्या, पूरा रूट डिटेल पता करो, कहाँ से कहाँ तक के लिए बुक किया। जा अभी अभी कॉल कर। दोस्तों बस थोड़ी देर और इंतजार, जैसा कि बिल्लू चंपत ने कहा था ठीक 12 बजे वो प्याज की बढ़ती हुई कीमत की वजह से अपनी जान दे देंगे। बलिदान का ये सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ TV13 पे। मैं हूँ लवीना खानम और आप बने रहिए हमारे साथ। नहीं हुआ है? ठीक है भैया, धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं हुआ? नहीं मैडम, वो लोग तो बोल रहे हैं कि कुछ भी ऐसा ट्रक या टेम्पो बुक नहीं हुआ है। इतना तो तय है कि मिस्री ने जब रेट का खबर सुना होगा तो वो पैनिक हो गई होगी। पैनिक में उसने क्या किया होगा, ब्रिजेश को बताया होगा ये सारा बात, और ये खबर सुनते ही ब्रिजेश बौखला गया होगा। फिर बौखलाहट में वो क्या करेगा, बौखलाहट में वो उसका जो प्याज का स्टॉक है वो वहाँ से उठा के कहीं शिफ्ट करवाएगा। अब एक दो प्याज तो है नहीं कि जेब में डाले और भर के ले गए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट ट्रक टेम्पो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, और वो बुक हुआ नहीं है तो फिर ये शिफ्टिंग कैसे हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। बिल्लू जी आइए। चलो बिल्लू, बिल्लू भाई। हमें सबसे पहले तो ये बिल्लू का जो लाइव ड्रामा चल रहा है ये हमको बंद कराना पड़ेगा। हमारा नेता कैसा हो, बिल्लू चंपत जैसा हो। जब बंद करो ये नौटंकी फालतू का, नहीं तो सबको वो मार लगाएंगे कि जाते जाते एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम साना देखा, समझे सब। अरे भाई मैं लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं। कुछ मिस तो नहीं हुआ? अरे यार टाइम से निकल गया था, क्या रास्ते में 100-150 डोलियां मिल गई, पूरा रास्ता ब्लॉक रखा था, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं यहां तक। क्या बात कर रहा है, इतनी सारी डोलिया, ऐसा कौन सा सामूहिक विवाह हो रहा है जो हमें नहीं पता? क्या भैया मतलब आंखों का रोशनी खराब हो गया या गिनती नहीं आता जो 150 डोलिया चाहिए शादी के लिए? अरे मैडम आंख पूरी चौकस है और गिनती पूरी अच्छी तरह से आती है, रास्ते में पूरे 150 डोलिया थी, कन्नौर रोड से लेकर रामनगरी तक पूरी लाइन लगी है, आप खुद जाके एक बार देख लीजिए। जल्दी में हो क्या, बजाना बंद क्यों कर दिया? अरे एक तो हमें न्योता नहीं दिए शादी का, ऊपर से पीपरी बजाना बंद कर दिया। अब हमारा बात सुनो, ये पीपरी तो अब तभी बंद होगा जब हम तुमसे कहेंगे, समझ गए? चलो शुरू हो जाओ। मैडम मैडम जी रुके, क्या हुआ इतना घबरा काहे रहे हो? मैडम दुल्हन है, हमें दुल्हन का मुखड़ा देखना है।
देखो भैया ऐसा है, हम कहीं और तुड़ाई का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं, इसलिए तुम जैसे चूरनों का तुड़ाई करने के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। अच्छा होगा शराफत से कह रहे हैं कि हमारे रास्ते से ना हट जाओ, हमारा टाइम बचेगा और तुम्हारा हड्डी भी। हटो। बिल्लू चंपत जिंदाबाद। अपना नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। बदनाम भाई, हमारा टकला तो लगता है मर जाएगा। अरे वही तो टेंशन है, दूसरा टकला लाए कहाँ से? कोई बचा दे से। बहुत हो गया नौटंकी, अब ये केस सॉल्व हो चुका है। केस सॉल्व। मतलब पिल्ला को बाहर निकालो जल्दी। बंद करो। आइए नेताजी, आइए नेताजी। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी बिल्लू जी, काम कीजिए, फटाफट अंदर जाइए, चेंज कीजिए। जाओ जाओ, नहीं तो पानी से तो बच गए, बुखार से मर जाओगे। जाओ नेताजी। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी, 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 चलिए चलिए नेताजी। बिल्लू चंपत आइए। हाँ तो लाइव न्यूज़, बहुत शौक है ना आपको सच्चाई दिखाने का, तो आज हम आपको एक सच्चाई से मिलवाते हैं। आइए आइए हमारे साथ आइए, आप आइए। देखो हम सच्चाई दिखाते हैं, ये है सच्चाई, ये देखिए। आइए बाकी डोलियां जब्त कर ली गई है, नमूने के लिए ये लाए हैं इनके साथ। अरे इनको तो सभी जानते होंगे, बहुत ही नामी व्यापारी हैं ये मंडी के, ब्रिजेश बाबू, जानते हैं ना सब इनको। 10 रुपए किलो का प्याज ये देते हैं 100 रुपए किलो। नहीं, जो लोग धनवान हैं, जिन पे भगवान की देन है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 100 रुपए किलो, उनके लिए बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात उन लोगों के लिए होता है जो लोग आम आदमी होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं। ये महंगाई का मारना उनके लिए बहुत बड़ा मार होता है। वजह जो भी हो, लेकिन पिस्ता मरता वही मध्यम वर्गीय परिवार है, वही एक आम आदमी है। ऐसे ऐसे जमाखोर ब्रिजेश जैसा इंसान ना प्याज का दाम बढ़ाकर जो प्रॉफिट आता है उसको अपने तिजोरी में रख लेता है, लेकिन दाम बढ़ते 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 एक आम आदमी के प्लेट में ना एक प्याज नसीब नहीं होता है उसको। और प्लान ये नहीं था, प्लान इससे भी बड़ा था। प्लान था पूरे सिस्टम को चेंज करने का, क्योंकि सिस्टम ने अभी एक रूल निकाल दिया है कि किसान जो है वो डायरेक्ट कस्टमर और रिटेलर को अपना उत्पाद ही दे सकता है। अब इससे क्या होगा? इनका नुकसान होगा। और ये नुकसान कैसे सह सकते हैं? ये तो जमाखोर हैं। मारू किसको? मारू। इनके पास प्रॉफिट नहीं आएगा, ये अपना तिजोरी नहीं भर सकेंगे, इसलिए इन्होंने सारा प्याज का स्टॉक एक गोदाम में डाल के रख दिया है और वेट किया कि जब टाइम आएगा ना तब उसका दाम बढ़ाकर अपना खेल खेलेंगे ये जमाखोर इंसान। दुखद की बात यह है कि ऐसे घटिया इंसान का साथ देते हैं भ्रष्टाचारी, बेईमान, रिश्वतखोर अधिकारी, मिस्री पांडे जैसे अधिकारी जो इनका साथ देते हैं और इनका काला बाजारी का जो ये धंधा है ये फलता फूलता है। ये ऐसे जमाखोर इंसान जिसके वजह से एक आम आदमी इतना कुछ झेलता है। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, हमें आप पर गर्व है, आपने साबित कर दिया कि आप एक होनहार और काबिल ऑफिसर हैं। और इस थाने को चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम। ऐसा ही मिश्री पांडे को यहां पर लाना
हमारी गलती थी, उसके लिए हमें अफसोस भी है और शर्मिंदगी भी। नहीं नहीं सर, आप नहीं नहीं नहीं, हम सब जानते हैं, इसीलिए हमने एसआई मिश्री पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठा दी उसके ऊपर। अब वो यहां पर कभी भी नहीं आएगी। हम सब जानते हैं, ये नहीं जान पाए करिश्मा सिंह कि ये डोली में प्याज शिफ्टिंग कैसे हो रही थी। आपको इन डोलियों के बारे में पता कैसे लगा? सर, पुलिस का नौकरी में सबसे बड़ी योग्यता है बारीक से बारीक चीजों को ध्यान से देखना। कन्नौर रोड से लेकर रामनगरी तक पूरी लाइन लगी है। अमा कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे कौन 100-150 डोलियां बुलाता है शादी के लिए। बात तो सही कर रही है मैडम, आजकल तो छोटी मोटी पार्टियां नहीं रखते लोग, तो इतनी सारी शादियां कौन रखेगा। बाकी सब तो आप सर जानते ही हैं। हाँ, गुड गुड भाई, अब तो प्याज सस्ते हो जाएंगे। क्यों, हो जाएंगे ना? अच्छा तो हम चलते। जय हिंद। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, टोटल टाइम वेस्ट हो गया यार। बल्ली अमाओ मोहतरमा, आप कहाँ जा रही हैं? आप जैसे भ्रष्ट पत्रकार के वजह से बाकी का पत्रकार समुदाय जो है वो बदनाम हो जाता है। आप मीडिया लोगों को ना थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि टीआरपी के चक्कर में आप किसी भी मुद्दे को बड़ा बना देती हैं, किसी भी इंसान को उठा के कहीं पे भी पहुंचा देती हैं, पूरा शहर में आग लग जाता है आप लोगों के वजह से। अब इसके लिए तो आपको सजा मिलनी चाहिए। क्या बिल्ला क्या कहते हो, सजा दे या फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्लू जी, बिल्लू जी, तुम्हें तो मैं सजा देकर ही रहूंगा। लवीना जी, अभी भी प्रो बरकरार है। बिल्कुल स्पाई, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, मैडम आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपकी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। और इसी नए जीवन में बिल्लू चंपत तुम एक नया टोपागिरी करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चक्री है, तुम एक जगह ना टिक के नहीं बैठ सकते हो। नहीं 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 मैडम, आज के बाद कोई टोपागिरी नहीं, बाहर में जाए शादी, बाहर में जाए लड़की, मुझे घर नहीं बसाना है। चीता, संतु, गिरफ्तार करो इनको, लेकर जाओ अंदर। जी मैडम। चाचा, चलिए चाचा, ससुराल जाने का समय हो गया, वहाँ पे भर भर के रोटी और प्याज खिलाएंगे आप, चलिए।